सो गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अभी मैं बाइक साफ़ कर रहा हूँ। मेरा बहुत दिन से नहीं किया था, आज थोड़ा टाइम भी मिला और मुझे जाना है एक शादी में और शादी अटेंड करना है, और उसी के लिए मैं आज बाइक धो रहा हूँ। और एक और काम है कि हमें कुमली वाटरफॉल में जाना था, इसलिए हम सुबह निकल गए जल्दी, बट हमें एक जगह और रुकना है जो है मेरी फुआ के यहाँ, और फुआ के यहाँ से हमें एक और जगह जाना है जो है शादी के यहाँ। और शादी के यहाँ मतलब शादी जहाँ हो रहा है, और मिलते हैं शादी में। थोड़ा सा शादी का माहौल दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा माहौल तो नहीं था बट जो भी था जैसा भी था ऐसा था। तो अभी हम लोग नहीं, मैं खास कर अभी पहुंचा हूँ और इन लोग तो पहले से आए हुए हैं। तुम पहले से आए हो? हाँ। इस बाबू का नाम भुवनेश्वर, तुम्हारा नाम हल्केश्वर। तो शादी में हम लोग पहुँचे हैं और बाकी अभी हम लोग को खाना दाना होगा और जो भी नेता होता था उन्हें मैंने दे दिया। बाकी बैग दिखाता हूँ कैसा है थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं फुआ के यहाँ वापस चलेंगे और मेरी बहन से आप लोग मिलाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग को चलना है मिलेगा। तो मिलते हैं वहाँ। चाचा जी अभी पधार चुके हैं और हम लोग भी अभी शादी वादी से आ गए हैं। वो बहन है एक, हाँ ये वाली बड़ी बहन है जो रेड कलर का पहनी हुई है, और जो इधर की एक छोटी बहन, ये है मेरी सबसे छोटी बहन। एकदम देखो इसके चेहरे को देखो, ये हुई लड़की है जो बहुत गोरी दिखती है, देख सकते हैं। और इधर ये लोग खेल रहे हैं अपना, और वहाँ पर फुआ खाना खा रही है। तो फुआ जी खाना खा ली हैं। अब फुआ जी आप भी अपने आप को देख लीजिएगा जरूर कभी। अभी हम कुछ टाइम में अब निकलेंगे, थोड़ा सा आराम करते हैं इधर, और घर भी जाना है, कुमेली घाट शूट करना है भाई जी। गाइस, अगर तुम लोग उधर से आते हो तो ऐसे रूट पड़ेगा और ऐसे इधर जाने को मिलेगा, और एक ऐसा बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, और मोबाइल तो यही दिखा रहा है कि इधर हमें जाना पड़ेगा कुमेली के लिए। जैसे कि अगर आप आगे ऐसे जाओगे तो आपको आगे दिख रहा होगा, इधर का रोड बहुत खराब है। तो अभी आते तो दोस्तों आप अच्छे से बाइक चलाओगे तभी इधर बन पाएगा, रोड बहुत खराब है इधर। तो बाकी देख सकते हो इधर कितना मोगा बीच रहे हैं सभी लोग एकदम। बाकी मतलब लोगों का कहना है कि इसमें, मैं सोच रहा था इसमें कुछ बिछा देते तो ये गिरता उसी में, बट लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा पेड़ है, तो किसी के पास 10, 5, 6, 8, तो उतना को कहाँ कवर कर पाएगा कोई भी आदमी। इसीलिए सब लोग, हाँ अलग बात है बोल रहे हैं, तो इसीलिए इन लोग पूरा भी बीच रहे हैं। और बाकी कुमेली हम लोग को जाना है इधर ये वाले रूट में, तो बाकी हम कुमेली घाट में मिलते हैं। अगर अभी आप कुमेली आते हैं तो आपको ऐसे रोड कटा मिलेगा, और हम लोग इधर से होके आए हैं, इधर होके ऐसे होके आए हैं, तो चार चक्कर में आते हैं तो रोड तो कटा है भाई, अभी देखते हैं आगे वहाँ पर जाते गाइस, हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरा अभी व्हाइटिंग लेंस में ले रहे हैं, इधर इठो रेस्ट हाउस समथिंग कुछ है यहाँ पर रुकने के लिए लोगों के लिए, और ऐसा दिखता है। और लोग आते हैं अभी, जैसे अंकल भैया जा रहे हैं, अंकल तो ना बोले, और बाकी सुबह शौचालय उधर, और इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा रोड अच्छा है। और बाकी कुछ यहाँ पर एक हैंडपम्प, वहाँ पर पुदीनी भी देना लगा हुआ है, और बाकी इधर से ऐसे नज़ारा दिखता है। हम लोग वहाँ पर चखेंगे अभी वहाँ उधर, और बाकी ऐसा है, हम आगे और दिखाते हैं पूरा ओवर व्यू कुछ इस तरीके के। अगर आप इधर आते हो तो ऐसे कुछ आपको दिखता है, और नज़ारे यहाँ पर एक शिवलिंग जैसा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ फोड़ते वोड़ते भी हैं लगता है, अरे पत्थर का है आई थिंक या सीमेंट का बनाया हुआ है, और कुछ ऐसा नज़ारा है आगे ऐसे देख सकते हो। इधर से पानी बह रहा है और आ रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है, आई लव माई जान, यहाँ पर कोई अपना प्यार का इजहार कर रहा था। और बाकी कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर, मतलब पानी बहुत अच्छा तेज आता होगा जिसमें बरसात होता होगा, झाड़ी इसके ऊपर है, ये सबूत दिखता है कितने बड़े बड़े वहाँ पर वो चीज़ हैं। और बाकी ऐसे इस पार से ही देखने के लिए है, लेकिन लोग इधर से भी देख पाते हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। और बाकी डर लग रहा है क्योंकि इधर से नीचे बहुत गहरा खाई है, और ऐसा है कुछ कुछ इस तरीके का व्यू, और कुमेली घाट वहाँ पर लिखाया गया है। तो अभी हम लोग उधर चलेंगे, उससे पहले यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ऐसे चाचा वहाँ पर हैं और हम उधर से किट अभी नीचे आएंगे। और बाकी झरना वरना काफ़ी अच्छा है, अगर देखने आओगे तो यही सब मिलेगा आपको यहाँ पर, लॉजिकल बातें हो तो रही है मेरे पास, जो है जैसा है वैसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे आपको वाइट एंगल लेंस में ओवरव्यू।
सो गाइस, इधर से एक थोड़ा और सीढ़ी है, इधर से ऐसे आओगे और कुछ यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा, मतलब बहुत मस्त, प्यारा प्यारा। मोबाइल गिरने की बहुत चांसेस होते हैं नीचे, बहुत गिर सकते हैं, और हम नीचे उच्चे जाने वाले नहीं हैं, अभी जा सकते हैं इधर से। उधर से खिसल के गए हम आई थिंक लोग, लेकिन हम लोग वो नहीं जाना है, उधर से जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी क्या करने जाएंगे। बाकी ऐसा नज़ारा है बहुत अच्छा, सुनहरा पल। आपको जहाँ पर आना है, घूमना है, तो यहाँ पर आ सकते हो, और ऐसे पहाड़ दिखेंगे, ऐसा झरना और कुछ ऐसा व्यूज़, और वापस हम नीचे चलते हुए और ऐसे दौड़ेंगे। अगर हम वाइट एंगल लेंस में लें तो इस तरीके का नज़ारा दिखता है। और बाकी यहाँ पर आपको दिखेगा एक और छोटा सा झरना जिसपे आप अच्छे से नहा सकते हो, मतलब वहाँ पर तो आप नहीं नहा सकते, उधर जैसे अगर मैं देखा उधर नहीं नहा सकते आप, क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत नीचे है, बट यहाँ पर आप नहा सकते हो बहुत अच्छे से। बस आपको संभल कर वहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर से छोटा सा पानी, और ऐसे यहाँ पर एक कुंड, और यहाँ पर बहुत से लोग की गंदगी जैसे हर जगह पे होता है, हर एक ऐसे जगह पे जहाँ पर दर्शनीय स्थल नहीं है, पर्यटन स्थल है। और इधर अगर हम आते हैं तो आई लव यू दिखता है, आई लव यू नाम है भाई, आई लव यू, आई लव यू भाई, आई लव यू यहाँ पर बहुत लिखाया हुआ है। यहाँ से खोद कर मेरे ख्याल से आते हैं, यहाँ पर बहुत ठंडक, काफी ठंडक मिल रहा है ऐसे, और कुछ इस तरीके का नज़ारा। वैसे बहुत बड़ा है यार यहाँ पर एकदम, मतलब ठंडा भाई। यहाँ पर आई लव यू कौन लिखा है भाई, इतना प्यार किससे है। अबे यहाँ फलाना आई लव यू, साला कितना प्यार करते हो भाई, यहाँ पर लिख लिख के गए हो, मतलब हम लोग के दे ही देखने आए हैं हम लोग, आई लव यू, आई लव यू थ्री। ऐसे कुछ ऐसे दिखा है, चट्टान गिर रही है इधर, संभल के चलना पड़ेगा। कुछ व्यूज, बाकी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा पानी गिर रहा है इधर नीचे से, हम नहीं जाएंगे उधर, काफी स्लिपरी है। और ऐसे लोग हैं बे, इधर भी प्रेम, उन लोगों का प्रेमी आभार रहे, जय हो जय भीम। बाकी ऐसा मैं नज़ारा कुछ इस तरीके का, ओवर व्यू, हम लोग ऊपर चढ़ेंगे एक बार वहाँ। सो गाइस, काफ़ी थक गया हूँ, अब हम लोग चढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और ये लैला मजनू का प्यार हमार रहे संसार, और बाकी मेहनत करने वाला तेरा भाई इसको ऊपर चढ़ने वाला है, तो मिलते हैं ऊपर। सो गाइस, ये मेरा थर्ड शॉट है, और थर्ड शॉट में पसीना पोंछ लेता हूँ पहले। बात ये है दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपको हंसी मजाक तो मिलते रहता है भाई, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बंदे लोगों का बहुत दुख दर्द है। यहाँ पर जो अकेले आएंगे उन लोग ना, लड़कियों के नाम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, प्रिया, काजल, अरे मल्होत्रा, सब नाम है भाई, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो अभी 10-15 लड़कियों के भी नंबर नहीं है। और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, यहाँ पर साले 1000 लड़कियों के नाम है, साला वहाँ पर नंबर, वहाँ पर नाम, नंबर नहीं है वैसे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोडा। नाम हुआ तो कृपया सब्सक्राइब करो, सिंगल सिंगल रहने का कुछ अलग मजा है। बाकी
हम लोग बड़े खतरों के खिलाड़ी, हम शादी करेंगे, साला गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, इतना खर्चा कौन करे भैया, हम लोग को दहेज मिलना चाहिए। हरामी हो बेटा भाई, दहेज वहेज नहीं लूंगा मैं, पता नहीं मेरे को बस पति बनना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? करोड़पति बनना है, करोड़पति बना दो, फिर किसी का पति बना दो, चल जाएगा। हाँ बाकी आज के लिए बस सब्सक्राइब कर देना, और ये जो बंदा है बहुत अच्छा लड़का है, मेरा फोटो खींच दिया है थंबनेल के लिए। तो भाई आपका नाम क्या है, शुभ नाम? अजय पैकरा। अजय पैकरा जो कि इधर ही के हैं, नजदीक के, कौन से गांव? पोतका से। तो पोतका में जाएगा वीडियो, तो लाइक करना रे बाबू लोग, पोतका के छुआ लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।